हृदय धड़क रहा है अगर ये सोचे कि मैं बहुत धड़क धड़क के थक क्या हूं आप कहते ना हमने कई बार सुना लोगों से मैं काम करते करते थक गया हूं अब जीवन जीते जीते थक गया हूं बोझा उठाते उठाते थक गया हूँ ये तो नहीं थका कभी आप कैसे थक सकते बहुत थकी गयो गए अभी जिंदगी थी थकी गयो छू हमारे तो जो पुराने गाने नहीं आते थे वो रोने धोने वाले नहीं हाँ सैड सॉन्ग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कहीं चलता हो तो मुझे लगता है कि बा... चले जाओ यहां से बिल्कुल पसंद हमने अपने पूरे जीवन में बहुत निराशावादी नकारात्मक परिस्थितियां देखी हैं अपने जीवन से गुजरते हुई फिर भी मुझे सैड सॉन्ग कभी पसंद नहीं है <laughs> सच मुझे लगता है कि रोना क्यों किस लिए रोना ये दो आंसू अगर परमात्मा के लिए बहा दिए जाए तो भक्ति ना हो जाए काहे के लिए परिस्थितियों के लिए बहाने हैं मैं बहुत थाकी गयो छू बहुत थक गया हूं जीवन का बोझा ढोते ढोते तो निकम में गधे बन जाएगा तो बोल भी नहीं पाएगा ढोना ही पड़ेगा क्यों हम इन सब बातों पर विचार नहीं करते गधे बन जाएंगे ना जब ऐसा करते रहेंगे पर यह नहीं कह पाएंगे कि मैं थक गया हूं मालिक बोझा थोड़ा कम कर क्यों थके हम क्यों निराश है हम क्यों हताश है हम एक बार एक लाख तीन हजार छ सौ अस्सी बार मुफ्त में दिया है ना उसने दिया है ना बिना बिना कॉस्ट के फ्री ऑफ कॉस्ट है ना कृपा की है ना उसने फिर उसको सैडनेस से, में काय को डुबो के रखना किसी भी कारण से अरे प्रसन्न रहो वो धड़क है तो हम भी तो धड़के ना आनंदित हम भी तो रहे ना इसलिए आताशा निराशा के विचारों को तिलांजलि दो हाँ हाँ निराशा के विचार तब काम करते हैं जब संसार की असारता समझ में आने लगे वो तो ठीक है दुखी मन से निराशावादी नहीं होना चाहिए संसार को असत्य समझते हुए निराशा आए तो कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है जो लोग बहुत दुख में होते हैं वो सत्य की खोज में भी होते हैं पर बहुत थक गया हूं जीवन जीते बहुत दुखों से परेशान हो गया हूं दुखों से परेशान काय का हो गया है तेरे तो खूब सारी कैपेसिटी है रोज नए दुख हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है तेरे को ऐसी कैपेसिटी है तुम्हारी शिवजी ने तो विष पी लिया सती जल गई उसको ले लेके घूमते रहे क्रोध हो आया ना उनको मानी नहीं चली गई दक्ष ने अपमान किया कौन से घर में दुख नहीं है बताओ फिर हमारा ही दुख सबसे बड़ा है हर आदमी सोचता मेरा ही बड़ा सामने वाला तो सुखी है बहुत हर आदमी के पास यही जवाब है हम कहते हैं कि भाई देखो वो तो सीता कितनी दुखी हाँ पर मैं पर क्यों लगता है पर 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 क्यों आता है हाँ पर क्योंकि हमें अपना ही दुख सबसे ज्यादा लगता है पर पर का आपसे ज्यादा दुखी लोग दुनिया में पड़े नहीं पड़े देव की थी ना कितने बच्चे मरे थे उसके बताए आपको कितने छह बच्चे मरे एक माँ कलेजे के टुकड़े को पैदा करती है तुरंत का तुरंत अपना ही भाई लेके दे पटक मारता है और एक बच्चे का सिर फटके खून निकलता है मां को यह सोचना चाहिए कि पैदा करूं उससे तो मर जाऊं अच्छा उस मां को विचार जरूर आया होगा पर फिर भी उसकी सहन शक्ति देखो कि छठे के बाद शायद वो पैदा हो जाए जो सातों का कर्जा चुका ले शायद कुछ ऐसे आनंद की प्राप्ति हो जाए जो सारे दुखों का अंत कर दे ऐसी देवकी के गर्भ से ऐसा सीना रखने वाली सहनशील मां के कोख से ही कृष्ण जन्म लेता है क्या मैं दुखी हूं परेशान हूं ऐसे करके थोड़ी प्रसन्न का प्रसन्नता का देवता पैदा होगा दुख का देवता पैदा हो सकता प्रसन्नता का देवता पैदा नहीं हो सकता तो ये कहना छोड़ दो मैं परेशान हूं मैं दुखी हूं मैं विचलित हूं नहीं है विचलित आप उन सारी विचलित दुखी परेशान उन सारे विचारों को काट कर सकारात्मक विचारों को स्थान दो विधेयात्मक विचारों को स्थान दो फिर से सत्संग की शुरुआत यहीं से हुई थी कि जो करना चाहिए वो हम करें या ना करें वो बात की बात है पर जो नहीं करना चाहिए उसको फॉलो जरूर करें तो करना चाहिए वो हो जाएगा तो जो हम निषेधात्मक विचारों को स्थान देते हैं उनका त्याग करेंगे तो विधेयात्मक पॉजिटिव सकारात्मक विचार अपने आप आपके पास आएंगे कुसंग का त्याग असत संग का त्याग करने की कोशिश करने मात्र से सत्संग होने लगता है क्योंकि सत्संग स्वतः सिद्ध है